प्यारे बच्चों, अब हम कहानी सुनेंगे मेहनत का सिला। अवेज स्कूल से आया तो सीधा अपने कमरे में चला गया। अम्मी ने कमरे में आकर पूछा, अवेज क्या बात है, आज तुम्हारा रिजल्ट आने वाला था। अवेज ने मुंह बनाकर रिजल्ट कार्ड सामने करते हुए कहा, जी ये है। मुबारक हो बेटा, तुम जमात में दोम नंबर पर आए हो। अम्मी ने प्यार करते हुए पूछा, मगर तुम उदास क्यों हो। अवेज रोने लगा, अम्मी मैं अव्वल क्यों नहीं आता, हमेशा फहीम ही अव्वल क्यों आ जाता है, हालांकि वो जमात में हमेशा पढ़ाई में मुझसे पीछे रहता है, मगर इम्तिहान में वो अव्वल आ जाता है। अम्मी मुझे लगता है वो नकल करता है, अवेज ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। उसकी अम्मी मुस्कुराई और बोली, बेटा जो मेहनत करता है उसे कामयाबी जरूर मिलती है, तुम भी दिल लगाकर मेहनत करो, अब 5वीं जमात में तुम्हें बोर्ड के इम्तिहान देने होंगे, इसमें नकल करना बहुत मुश्किल होता है और फिर वहां तुम अच्छे पेपर देकर फहीम से ज्यादा नंबर ले सकते हो। अवेश ने बेयकीनी से पूछा, क्या वाकई अम्मी। अम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, बस आज ही से अगले इम्तिहानात की तैयारियां शुरू कर दो और रोजाना सबक याद करो, फिर देखना तुम्हें मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। अवेश को यकीन आ गया कि वो मेहनत से जमात में अव्वल नंबर भी आ सकता है। अगले ही दिन अवेश ने खूब मेहनत से पढ़ना शुरू कर दिया। वो स्कूल से छुट्टी बहुत कम करता था, रोजाना घर आकर सबक दोहराता और अम्मी को सुनाता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया और सालाना इम्तिहानात का वक्त आ गया। आज पहला पर्चा था। अवेश मुतमईन था कि उसकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से हुई है। उधर फहीम को भी अंदाजा था कि अवेश की तैयारी मुकम्मल है। इसने नकल के लिए किताब के कुछ औराक फाड़े और अपनी पैंट की जेब में छुपा लिए, क्योंकि ये सबक उसे याद नहीं थे। पर्चा शुरू हुआ तो अवेश ने फौरन हल करना शुरू कर दिया। उधर फहीम परेशान हो गया, क्योंकि जो सवाल पर्चे में आए थे उनमें से अक्सर के जवाब उसे याद नहीं थे। उसने चुपके से पैंट की जेब में से पर्चे निकाले, मगर अचानक ही हॉल में मौजूद निगरान की नजर उस पर पड़ गई और वो पकड़ा गया। फहीम रोता हुआ और मिन्नतें करता रहा कि मेरी इम्तिहानी कॉपी वापस कर दें, मगर उस्ताद ने उसकी ना सुनी और उसकी कॉपी के साथ नकल के पर्चे जोड़कर बोर्ड में भिजवा दिए, ताकि अब वो मजीद इम्तिहान ना दे सके। बोर्ड की तरफ से इस साल फहीम को इम्तिहान देने से रोक दिया गया और इसका पूरा तालीमी साल जाया हो गया। उधर अवेश पूरी मेहनत और लगन से पर्चे देता रहा। 2 महीने बाद इम्तिहान का नतीजा निकला। अवेश ने पूरे जिले में अव्वल पोजिशन हासिल की थी। इसकी खुशी का कोई ठिकाना ना था। घर पहुंचते ही वो अम्मी से लिपट गया। अम्मी ने उसे प्यार किया और कहा, देखा बेटा, मैं तुमसे कहती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर सच्चे दिल और ईमानदारी से किसी मकसद के लिए मेहनत की जाए तो उसके सिले में कामयाबी जरूर मिलती है, और खुदा भी मदद करता है। अवेश ने कहा, जी हाँ अम्मी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अब मैं हमेशा दिल लगाकर मेहनत से पढ़ाई किया करूंगा, ताकि कभी नाकाम ना हो सकूं। तो प्यारे बच्चों, किसी ने सच ही कहा है कि मेहनत का सिला जरूर मिलता है। तो जब भी आप कोई काम करें, उसे पूरी मेहनत और दयानतदारी से करें, उसका सिला आपको खुदा जरूर देगा।